हाय गाइस, आज मैं कैजुअली बना रही हूँ वीडियो आप लोगों के लिए। और आज मैं इसलिए बना रही हूँ वीडियो क्योंकि मेरी जो ब्यूटी रिजिम या स्किन केयर रिजिम जो मैं फॉलो करती हूँ, उसमें से एक रूटीन मेरा ये भी है वेयर आई रब आइस क्यूब्स ऑन माय फेस। और मैंने सोचा दैट लेट मी शेयर दिस विथ यू दैट व्हाई डू आई रब आइस क्यूब ऑन माय फेस और इसके बेनिफिट्स क्या है। तो चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो गाइस, रबिंग आइस क्यूब ऑन योर फेस इज द अल्टीमेट वेपन फॉर योर स्किन थेरेपी एंड दिस कम्स विथ नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। फ्रिज तो देखिए आजकल ऑलमोस्ट सबके घर पे है ही, और फ्रिज जब हमारे पास होती है तो उसके साथ आइस ट्रे भी आती है जहाँ हम बर्फ जमाते हैं। तो ये जो आइस क्यूब्स लगाने का जो प्रथा है, ये प्रथा आज से नहीं, ये प्रथा काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। दिस हैज़ बीन इन यूज सिंस आर एंशियंट टाइम्स एंड दिस गिव्स एन इमेंस बेनिफिट टू आवर स्किन। सबसे पहला बेनिफिट क्या है आइस क्यूब लगाने का, मैं लगाते लगाते आपसे बात करते हूँ। तो दिस इज़ माई स्ट्रॉबेरी क्यूब, इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी डाल के मिक्स करके मैंने इसका क्यूब करवाया है। देन आई हैव डन दीज ग्रीन टी क्यूब्स एंड दिस इज माई प्लेन आइस क्यूब। ये मेरा प्लेन आइस क्यूब है एंड दिस इज माई ऑल ग्रीन टी आइस क्यूब। तो आप भी ये सब आपके घर में कुछ भी इंग्रीडियंट अवेलेबल है, नेचुरल फ्रूट एनी इंग्रीडियंट दैट इज अवेलेबल, आप उसका आइस क्यूब्स बना के रख सकते हैं एंड अप्लाई इट ऑन योर फेस। दिस ऑल्सो गाइज कम्स एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है, ये मैं स्ट्रॉबेरी लगा रही हूँ। मैंने स्ट्रॉबेरी को ग्रेट करके पानी में मिक्स कर दिया था एंड दिस इज हाउ आई मेड अ आइस क्यूब ऑफ इट और मैं ये लगा रही हूँ। ओके, नाउ लेट मी टेल यू कि ये आइस क्यूब्स लगाने का सबसे पहला बेनिफिट जो है, इट एक्ट्स एज अ नेचुरल स्किन टोनर। ये एक नेचुरल स्किन टोनर के हिसाब से हमारे फेस पे काम करती है एंड इट क्लोजेज द ओपन पोर्स। देखिए मेरे फेस पे भी ओपन पोर हैं एंड काफ़ी टाइम हमारे फेस पे ओपन पोर्स होते हैं। दिस हेल्प्स इन क्लोजिंग द ओपन पोर्स एंड टाइटन्स अप द स्किन। हमारे स्किन को ये काफ़ी टाइट कर देती है एंड जब आप ये आइस क्यूब लगा के एंड यू लीव इट फॉर 10-15 मिनट्स एंड अप्लाई मेकअप ऑन योर फेस, इट रेडिली एब्जॉर्ब्स इनटू योर स्किन। तो सबसे बेनिफिट तो ये है कि इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड स्किन टोनर। सेकेंड बेनिफिट जो है ऑफ रबिंग आइस ऑन योर फेस इज दैट इट इज अ रिंकल बस्टर। आप जब अपने फेस पे आइस क्यूब रब करते हैं, इट इजेस द प्रोसेस ऑफ रिंकलिंग विच इज कमिंग विथ योर एज ऑन योर फेस। तो ये ईज करता है प्रोसेस को एंड फर्दर इट ऑल्सो डिलेज इन द क्रिएशन ऑफ न्यू रिंकल्स ऑन योर फेस। तो ये हमारे स्किन के लिए काफी फायदेमंद है। ये स्वीट स्वीट लग रही है मुझे क्योंकि मैंने स्ट्रॉबेरी ली थी एंड स्ट्रॉबेरी वाज वेरी स्वीट। आई एम एंजॉयिंग इट। बीच में पूछना भी पड़ रहा है क्योंकि आपसे बात कर रही हूँ तो पूरा पानी पानी हो रहा है मेरा नेक एरिया एंड एवरीथिंग। ओके, the third benefit of rubbing ice on your face is that it improves the blood circulation and constricts the blood vessels and reduces the blood flow onto your skin, thereby making the skin look radiant and flawless. And dusri cheez mein bhi ye help karta hai is that it reduces the puffiness or the swelling on your face. Isliye guys, jab subah hum uthte hain, jab hamare eyes area thoda puffy rehta hai, to hum turant remedy ke liye kya karte hain, we take a spoon and we put it in the refrigerator, thoda thandi ho jane pe hum usko apne eye area mein lagate hain. Similarly you could also use these ice cubes. Agar aapke paas plain ice cube padi hui hai fridge mein, aap thoda sa leke you can put it around your eye area, it will help in removing your पफिनेस। सुबह उठ के फेस थोड़ा अपना खुद का ही कुछ अजीब सा लगता है, यू नो बिकॉज मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा फेस स्वेल होता है एंड अगर आपको सुबह सुबह कहीं जाना हो तो दिस इज एन आइडियल मेडिकेशन फॉर यू।
इसीलिए गाइस हमने पहले देखा है कि हमारे नानी दादी के टाइम में हमारे मम्मी लोग क्या करते थे, जब भी हम लोग कहीं हमारे हाथ या पाँव में भी मोच वोच कहीं आ जाती थी तो दे यूज टू इमीडिएटली रब आइस ऑन दैट एरिया। तो वो रब करने से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हमारे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं दैट इजेज द ब्लड फ्लो एंड हर तरह का स्वेलिंग एंड पफिनेस कम्स डाउन। ओके, चौथी बेनिफिट क्या है हमारे आइस क्यूब रब करने की अपने फेस पे? द फोर्थ बेनिफिट इज दैट अगर आपके फेस पे कोई तरह की एक्ने या बम्स आ रहे हैं, इफ़ यू रब दिस, मैं तो ये बोलूंगी नहीं कि ये इमीडिएट गायब कर देता है, बट वो बैठा जरूर देता है ये प्रोसेस को। जो आपकी फुंसियाँ या पिंपल जो फेस पे होती हैं और वो मोटी हो जाती है एंड देन यू नो पस पस फॉर्म हो जाता है, बट रबिंग ऑफ आइस इमीडिएटली स्टॉप्स द प्रोसेस एंड विद इन अ डे आपकी ये बम्प बैठ जाती है, फेस में अनवांटेड एक्ने बैठ जाते हैं। मैंने एक्ने रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया है विच आई विल बी लिंकिंग बिलो, अगर आपने देखा नहीं है तो यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू द लिंक। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फेस पे अगर एलर्जी हो, आई एम वन ऑफ दोज जो मेरे फेस पे थोड़ी एलर्जी आ जाती है, माई स्किन इज वेरी सेंसिटिव। आई हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन, मैं अगर धूप में भी जाऊंगी ना मुझे एकदम रेड रेड फेस में हो जाता है, लगता है जैसे मैंने कुछ आर्टिफिशियल ब्लशर कुछ लगा लिया है। सो दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर मी एंड मेरे उससे क्या होता है मेरे फेस पे थोड़े ना इरीटेशंस आ जाते हैं। अगर आपके फेस पे कभी एलर्जी अनवॉन्टेड यू नो इरीटेशन आए फेस पे, आप तुरंत उस पर आइस रब कर लीजिए, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रिलीफ एंड योर स्किन विल बी इमीडिएटली सूदन्ड। तो गाइज बस मुझे आज इतना ही आपको बताना था अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ रबिंग आइस ऑन योर फेस। ट्राई दिस आउट, अगर अब तक आपने ये आइस अपने फेस पे रब नहीं किया है, एंड रीप द बेनिफिट बिकॉज दिस कम्स एट नो कॉस्ट प्रैक्टिकली इफ यू हैव अ रेफ्रिजरेटर इन योर हाउस। और दोस्तों ये याद रखें कि जब आप आइस रब कर रहे हो अपने फेस पे, आप बहुत ज़्यादा देर ना करें, यू कैन डू इट मैक्सिमम बिटवीन 10 to 15 minutes, और मेरे ख्याल से मैंने इसे 8-10 मिनट अभी तक कर लिया है। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गिव द फाइनल रबिंग ऑन माय फेस एंड अभी सिंस आई विल बी ऑफ माय कैमरा आई विल नॉट बी वाइपिंग माय फेस, आई विल लेट इट ड्राई नेचुरली। दिस adds a lot of radiance to your skin. अगर आप कोई भी पानी या ice cube जब अपने face पे लगाते हैं उसको अगर आप naturally dry होने देते हैं, this adds instant glow to your skin. तो guys, था ना काफ़ी सारा benefits of rubbing ice on your face. मैंने इसमें जैसे आपको दिखाया कि मैंने स्ट्रॉबेरी आइस बनाई है, मैंने थोड़ी सी ग्रीन टी आइस बनाई है। सो व्हाट आई डू इज़ दैट जब अभी स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, क्योंकि घर पे लाती हूँ स्ट्रॉबेरी एंड आई लव स्ट्रॉबेरी, सो व्हाट आई डू इज़ दैट एक स्ट्रॉबेरी उसमें से यू जस्ट क्रश इट एंड मिक्स इट विथ लिटल वाटर एंड आप अपने आइस बॉक्स में उसको स्टोर कर दीजिए। सिमिलरली यू कुड डू इट ऑल्सो विथ पपाया क्यूकम्बर, आप पपाया क्रश करके भी आप उसका आइस क्यूब बना सकते हैं, क्यूकम्बर का भी बना सकते हैं, यू कुड पुट इट अराउंड योर आइज विच विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग योर डार्क सर्कल्स। एंड ग्रीन टी, अगर आप घर में ग्रीन टी पीते हो, आपके ग्रीन टी पीने के बाद जो वो डिप रहती है आपकी, यू कैन जस्ट यूज दैट वाटर ओनली एंड पुट इट इन योर आइस बॉक्स एंड लेट इट रेफ्रिजरेट एंड यूज दैट आइस क्यूब। हफ्ते में दो बार अगर आप इसे लगाते हैं सो दिस विल ब्रिंग इमेंस बेनिफिट टू योर स्किन एंड स्पेशली विद द समर्स अप्रोचिंग, अब जब गर्मियां आने लगेंगी दिस विल एक्ट एज अ गुड स्किन बूस्टर। सो गाइज दिस इज इनफ फॉर टुडे, मुझे आपसे यही शेयर करना था। आई होप ये वीडियो आपके लिए, ये छोटी सी वीडियो आपके लिए यूजफुल हुई रहेगी एंड लेट मी नो your comments below if you use the ice cube, aapne kya benefits usme se paya hai, and also I would like you to subscribe to my channel and give it a big like and share it with your friends. Jitna aap spread karenge knowledge utne aapke liye hi acha hai, aapke being adding a lot, you will be adding a lot of benefit to others lives, which is my motto and that's why I create these videos for you all. So guys, it's a wrap up. I'll say aap khush rahiye and chust rahiye and be happy in your life. I love you all. Adios.